तो क्या गिफ्ट से भी हमारी और आपकी किस्मत जुड़ी हुई है? क्या गिफ्ट भी शुभ अशुभ लकी अनलकी हो सकता है? क्या गिफ्ट का हमारे ग्रहों से कोई कनेक्शन है? आइए इन सभी सवालों के जवाब हम जानते हैं पंडित सुरेश पांडे जी से। पंडित जी, ये तो देखिए प्रचलन होता है, एक दूसरे को हम गिफ्ट देते हैं लेते हैं, लेकिन मुझे लगता है ये हमारे दर्शकों को एक अलग जानकारी आज मिलेगी कि क्या इससे भी कनेक्शन होता है हमारे ग्रहों का। पहली बात तो ये समझ लो कि जब व्यक्ति अपने किसी शुभेच्छु के यहाँ जाता है जी, ये सनातन धर्म की बात कर रहा हूँ जी जी, तो खाली हाथ नहीं जाता। हाँ। कुछ न कुछ उपहार लेके जाता है, चाहे वो मिठाई हो, चाहे वो ड्राई फ्रूट हो, चाहे वो कपड़े हों, चाहे वो गहने हों, चाहे वो खाने की कोई वस्तु हो, चाहे कोई फल हो जी, और लेकर जाना भी चाहिए। ये हमारे शास्त्रों का विधान है, लेके जाना भी चाहिए। मतलब सुदामा जैसे दरिद्र जिनके पास खाने के लिए एक अनाज नहीं था, वो भी जब प्रभु श्री कृष्ण से मिलने गए तो उन्होंने अपने पत्नी के सामने शर्त रखा कि मिलने तो जा रहा हूँ लेकिन उनको उपहार में देने के लिए मेरे पास क्या है, क्या दूंगा। तो उनकी पत्नी ने कहा आप चिंता मत करिए। उसने जाकर अपने एक सखी के यहाँ से धान का जो टूटन होता है आगे वाला किनका जिसको कहते हैं, वही किनका चार मुट्ठी जो है एक कपड़े में बांध के दे दिया, और वही सुदामा जी अपने कांख में दबा करके वो लेके द्वारका पहुंच गए। भगवान ने जब सुदामा जी का बहुत आगत स्वागत किया, बड़ा राजकीय सम्मान किया। हाँ। उसके बाद बोले भाभी ने तो मेरे लिए कुछ भेजा होगा और आपने आप दे नहीं रहे हो, वही बचपन वाली बदमाशी अब भी कर रहे हो, जैसे अकेले गुरु माता ने चना दिया था आपने खा लिया था और मुझे नहीं दिया था, वही बदमाशी फिर कर रहे हो। बोले नहीं नहीं कुछ नहीं है कुछ नहीं है, क्योंकि वो सोच रहे थे कि इतने बड़े महाराजा इतने बड़े राजा को चावल की किनकी खिलाएंगे। तो उन्होंने जबरदस्ती उनकी पोटली खींच के खोल ली और पोटली से ज्यों ही उन्होंने एक मुट्ठी चावल निकाल के अपने मुंह में भगवान ने डाला, आहा तृप्त हो गए। मतलब पूरा विश्व तृप्त हो गया, इतना आनंद। तो भगवान को किनकी नहीं, भाव की पसंदगी है। या तो सबरी का बेर खा के उन्होंने कहा आहा तृप्त हो गए, या तो विदुरानी के केले के छिलके खाकर उन्होंने कहा आहा तृप्त हो गए, और या सुदामा के वो टूटे हुए चावल खाकर के उन्होंने कहा आह तृप्त हो गए। और जिस सुदामा की किस्मत में लिखा था छह कोस, मतलब पूरे जीवन आपको दरिद्रता भोगनी है, उसी सुदामा की किस्मत तत्काल यक्ष कोष के रूप में परिवर्तित हो गई। विश्वकर्मा को प्रभु ने मन ही मन आदेश दिया। अच्छा। कि जैसी मेरी द्वारका पूरी है ऐसी ही जाकर के सुदामा पूरी का निर्माण करो, और सुदामा पूरी का उसी तरह से निर्माण हुआ, वही वैभव सुदामा को प्राप्त हुआ जो वैभव प्रभु के पास है जी। तो हम जब चाहे किसी के पास जाएं, लेकिन ऐसा कर नहीं रहे हैं लोग, बड़ा दुख होता है। एक एक सिद्ध संतों के यहाँ हम देखते हैं कि लोग जाते हैं और दर्शन करते हैं, ऐसे झुकते हैं जैसे बिलार रणवत करती है चूहे मारने के लिए, ऐसे संतों के सामने झुकते तो हैं लेकिन ना तो एक फूल चढ़ाते हैं, ना तो एक रुपया चढ़ाते हैं, ना तो एक फल चढ़ाते हैं। आप इतने भी दरिद्र हो गए हैं कि एक रुपया नहीं चढ़ा सकते, एक फल नहीं चढ़ा सकते, एक फूल नहीं चढ़ा सकते। कुछ तो आपके पास होना चाहिए संतों को उपहार में देने के लिए। हाँ, अगर आप खाली हाथ जा रहे हैं तो खाली हाथ आएंगे, अगर आप खाली हाथ जा रहे हैं तो खाली हाथ आएंगे। कभी भी राजा के पास जी, वैद्य के पास, ज्योतिषी के पास, किसी साधु संत के पास, किसी महात्मा के पास, अपने गुरु के पास, अपने प्रियजन के पास कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। अच्छा। जो भी संभव हो सके उसे लेके जाना चाहिए, जरूर लेके जाना चाहिए। इसलिए कहते हैं गुरु से जब भी ज्ञान हो तो कुछ आपको दे। केवल गुरु की बात नहीं है बेटा। अच्छा। गुरु कोई व्यक्ति नहीं होता, व्यक्ति कोई गुरु नहीं होता। अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम तत्पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु तो अखंड मंडलाकार होता है, गुरु तो पूरे चराचर जगत में विराजमान होता है। गुरु को हम एक सगुण रूप में देखते हैं,
महामोह तमपुंज जास वचन रविकर निकर, जिसके वचन सूर्य की किरणों की तरह तमाम अंधकार को दूर करने वाले होते हैं, ऐसे गुरु का हम वर्णन करते हैं। लेकिन वो गुरु जब शरीर त्याग देते हैं तो क्या हमारे गुरु खत्म हो जाते हैं? हमारी गुरुवाणी जो है, उनके आदेश जो हैं, वो हर समय मूर्तिमान रहते हैं और हर समय हमारे लिए जीवित जैसे रहते हैं। गुरु कभी खत्म नहीं होते हैं। गुरु कभी कोई व्यक्ति नहीं हो सकता और व्यक्ति कोई गुरु नहीं हो सकता जी। गुरु जो है वो परम ब्रह्म का स्वरूप है। जिस दिन आपके अहं का त्याग हो जाएगा, आपके अंदर का अहंकार मिट जाएगा और आपके शरीर की जो ममता है, आसक्ति है, ये समाप्त हो जाएगी, आप जिस दिन अपने आप को प्रभु में विलय कर दोगे, उस दिन आपको ये पूरा जगत केहिसन करो विरोध निज प्रभुमय देखें जगत, जो पूरा संसार आपके अपने प्रभु का ही लगने लगेगा, तो आप किससे विरोध करोगे, किससे दुश्मनी करोगे, किससे शत्रुता करोगे? जब पूरा संसार ही आपका प्रभुमय है तो आप किससे करोगे विरोध? तो कहने का आशय ये है कि हमारे सनातन धर्म में परंपरा है जी। कि जब हम कहीं किसी जगह जाते हैं तो कुछ न कुछ उपहार लेके जाते हैं। लेकिन अब इसमें कुछ कुछ इतने घृणित मानसिकता के, दूषित मानसिकता के भी लोग पैदा हो गए हैं जो अपने ग्रहों को उतारने के लिए दूसरों को गिफ्ट देते हैं। अच्छा। उसके बारे में भी चर्चा करूंगा। लेकिन अभी सभी मीठी चीजों पर गुरु ग्रह का प्रभाव होता है। गुरु सबसे बड़ा और सबसे प्रभाव देने वाला ग्रह माना गया है। गुरु ग्रह का आधिपत्य फैट बढ़ाने वाली चीजों पर भी होता है। जब भी आपको या आप किसी को मिठाई, केक, पेस्ट्री या चॉकलेट गिफ्ट करते हैं तो मीठा गिफ्ट में लेने वाले व्यक्ति पर गुरु ग्रह का प्रभाव बढ़ता है। ऐसा गिफ्ट देने से गिफ्ट लेने वाले व्यक्ति के जीवन में तरक्की होती है, जीवन को कोई नई दिशा मिलती है और परिवार की उन्नति होती है। आजकल ड्राई फ्रूट्स भी गिफ्ट करने का चलन है। ये क्यों है? इसलिए कि मिठाइयाँ जो हैं वो नकली मावे से बन रही हैं, कृत्रिम मावा बना करके, और उससे मिठाइयाँ बन रही हैं जो जहरीली हैं। और आए दिन अखबारों में, न्यूज में सुनाई देता है कि 1000 किलो मतलब कि नकली मावा बरामद किया पुलिस ने, 1000 किलो नकली दूध, 1000 लीटर बरामद किया। तो नकली खान पान की चीज़ें जो बन गई हैं, तो कम से कम ड्राई फ्रूट्स में शुद्धता है, उसमें कोई मिलावट नहीं है, सब कुछ आँखों से दिखाई दे रहा है। इसीलिए आजकल चाहे दीपावली हो, चाहे नया वर्ष हो, लोग ड्राई फ्रूट्स को ज़्यादा लेन देन के रूप में यूज कर रहे हैं। ड्राई फ्रूट्स पर सूर्य ग्रह का प्रभाव होता है और सूर्य ग्रह जो है ये रजोगुण प्रधान है, इसलिए ड्राई फ्रूट्स गिफ्ट करना और गिफ्ट में लेना बहुत ही अच्छा माना जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी।